Children, today we will start another topic of application of derivatives, which is increasing and decreasing function. First, we will understand increasing and decreasing function through graph and then solve some important questions based on increasing and decreasing function so that you can solve each and every question of your board exam. Now let us start with the definition. Let I be an interval containing or contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be number one increasing on I if x1 less than x2 in I implies fx1 less than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I. ठीक है, तो इसमें हम increasing में क्या होगा कि जब x1 less than x2 होगा तो fx1 less than equal to fx2 होगा, तो वो increasing हो जाएगा. और next है strictly increasing. Strictly increasing on I if x1 less than x2 in I implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to I. तो इसमें क्या देख रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, अगर x1 less than x2 है तो fx1 क्या होना चाहिए, less than fx2 होना चाहिए, इसमें कोई इक्वल टू नहीं है. और तीसरा डिक्रीजिंग की बात करेंगे, डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 less than x2 इन आई इंप्लाइज fx1 greater than equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I. तो डिक्रीजिंग में हम क्या देख रहे हैं कि अगर x1 less than x2 है तो fx1 क्या हो जा रहा है, greater than equal to हो जा रहा है fx2. और उसी तरह से strictly decreasing की बात करें तो strictly decreasing on I if x1 less than x2 in I implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I. मतलब क्या, strictly decreasing रहेगा तो अगर x1 less than x2 है तो fx1 भी greater than fx2 होगा, इसमें डिक्रीजिंग की तरह कोई इक्वल टू नहीं है. ओके, अब हम इसको थोड़ा ग्राफ से समझेंगे, इसको पहले रब कर लेते हैं. आई होप बहुत अच्छे से आपको इस इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ में आ गया होगा. तो इसको हम रब कर देते हैं, आप नोट कर ही लिए होंगे. अब हम इसको ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो क्या हम देख रहे हैं ग्राफ में, यहां पे अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. यहां पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वाई इंक्रीज कर रहा है. और यहां कुछ देर के लिए इक्वल हो गया और फिर वो इंक्रीज कर रहा है. तो इसका जो हम एक्स पे हम इसका वैल्यू ले रहे हैं, ये सपोज दैट ए ले लिए, यहाँ पे हम x1 ले ले रहे हैं और ये हमारा x2 हो गया
और यहाँ पे b हो गया. ओके तो ये जो फंक्शन हुआ ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ. ठीक है, हम इस पर्टिकुलर इंटरवल में हम देख रहे हैं ax1 में ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है. और अगर हम ये इंटरवल x1 x2 को देख रहे हैं तो इस इंटरवल में अगर हम इसका नाम bc दे दें तो ये क्या हो रहा है, इक्वल हो गया है. और फिर जब हम x2 और b में देख रहे हैं इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ये वैल्यू जैसे जैसे x इंक्रीज किया उसी तरह से y भी इंक्रीज करता जा रहा है. अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो रहा है, x एक्सिस है y एक्सिस है, इसमें जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे वैसे y इंक्रीज करेगा. कहीं से भी हम a ले लें और कहीं पर भी हम b ले लें. ओरिजिन ये जो है ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस इंटरवल में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज करता चला जा रहा है. अब वापस हम यहाँ आकर देखते हैं तो इसमें क्या था कि इस इंटरवल में x जो है वो जैसे इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है. और इस पर्टिकुलर इंटरवल में x1 x2 में ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे x जो है इंक्रीज कर रहा है वैसे ही वैसे यहाँ पर वैल्यू जो है वो इक्वल है bc में. और इस इंटरवल में x2 और b में ये क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जा रहा है. अब हम इसको फिर से रब करते हैं और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को समझते हैं. ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे हम डिक्रीज करवा रहे हैं. जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, जैसे हम वहां पे समझे थे बिल्कुल उसी तरह से ये और फिर डिक्रीज कर रहा है. ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हम ले ले रहे हैं इसको, ये ए है, ये यहाँ पे ये x1 है और यहाँ इसको पैरेलल हम ले रहे हैं तो ये हो रहा है x2 और ये हो जा रहा है b. ये पॉइंट को हम bc ले ले रहे हैं. तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इसको हम पहले लिख दें कि ये जो है फिगर डिपिक्ट कर रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन को. डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें क्या हम देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे इस इंटरवल में x इंक्रीज कर रहा है y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. और ये bc पे x1 और x2 जैसे जैसे x1 x2 जो है ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे bc पे ये इक्वल हो जा रहा है. और फिर हम वापस ये इस इंटरवल में x2b में देख रहे हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y जो है डिक्रीज कर रहा है. अब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला देखते हैं, उसमें क्या होगा कि सिंपली वो डिक्रीज करता चला जाएगा यहाँ पे इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे ए ले लेते हैं और ये हम बी ले ले रहे हैं. तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं इस फिगर में, जो जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y कंटिन्यूअस डिक्रीज करता जा रहा है. ठीक है, जबकि इसमें हम लोग वापस इसमें आके आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस इंटरवल में ये इक्वल हो गया था डिक्रीजिंग फंक्शन में, जबकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ये कंटिन्यूअस और डिक्रीज करता जा रहा है. अब हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसपे आपका सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, उस थ्योरम को मैं बताती हूँ. इसमें क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए.
क्योंकि इससे आपका सारा क्वेश्चंस ए टू जेड बन जाएगा. लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड differentiable on the open interval AB. ठीक है, ये closed interval का ये है और ये open interval के लिए small bracket use होता है, या कभी कभी ऐसा भी books में आप देखेंगे ये भी open interval ही हुआ. इसका मतलब है कि इसमें ए और बी क्या है, इंक्लूडेड नहीं है. और इसका मतलब होता है कि इस इंटरवल में ए और बी क्या है, इंक्लूडेड है. ये आप पहले से भी जानते होंगे. देन ए एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ f dash x greater than 0 for each x belongs to open interval AB. ठीक है, और b क्या है, f is decreasing on closed interval AB if f dash x less than 0 for each x belongs to open interval AB. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. जैसे ही हमको दिखाना होगा कि इंक्रीजिंग है तो उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन हम शो कर देंगे कि ग्रेटर देन 0 है, और जब दिखाना होगा कि डिक्रीजिंग है तो उसके लिए हम दिखा देंगे कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, लेस देन 0 है. और इसमें कुछ भी नहीं. एक और डेफिनेशन है जो कि हमेशा आप लोग को जानना चाहिए, वो क्या है कि मोनोटोन कब कहेंगे. मोनोटोन, ठीक है, बस सिंपली जानना है आपको कि अ फंक्शन f is said to be monotone in an interval i if it is either increasing in i or decreasing in i. ठीक है, तो ये बस आपको इस मोनोटोन के बारे में इतना आपको याद रखना है कि कब मोनोटोन कहेंगे, या वो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग. ठीक है, अब हम इसको रब कर देते हैं. अब एक और चीज जो कि हमें बतानी है वो है टू इंपॉर्टेंट इन इक्वेशंस. ठीक है, इसमें क्या है, इसको भी आपको याद रखना होगा. अगर आप याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा. नंबर वन, x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू b. और टू है कि अगर x माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0
तो ये इम्प्लाई करेगा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। और क्या, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x माइनस a x माइनस b इज जीरो व्हेन, कब जीरो होगा, व्हेन x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ठीक है। नाउ वी मार्क द पॉइंट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b ऑन द नंबर लाइन। अब इस तरह से हम देखते हैं, यहां पे, या इसको हम पहले रब कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, आप नोट कर ही चुके होंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इंटरवल लिए हैं, इस इंटरवल में ये माइनस साइन दे रहे हैं, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। इसको हम समझते हैं, इसमें थ्री केसेस अराइज होंगे, थ्री केसेस में अराइज, ठीक है। पहला केस वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन बी, जब x क्या होगा, b से ग्रेटर देन होगा, तो जब b से ग्रेटर देन होगा दैट मीन्स क्या, देयरफॉर इट इज आल्सो x इज ग्रेटर देन a, a से भी ग्रेटर देन होगा। इन दिस केस क्या हो जाएगा, x माइनस a, इसको इधर लाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और इसमें भी सेम चीज, x माइनस बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड किए कि x माइनस a x माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। अब केस टू देख रहे हैं, केस टू इसमें क्या कर रहे हैं, व्हेन a इज लेस देन x लेस देन b, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, ठीक है, इसको हम इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस a ग्रेटर देन जीरो, इसको इधर लाए तो x माइनस a ग्रेटर देन जीरो। एंड इसी तरह से अगर हम x माइनस b करें तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो इसको अगर कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस a x माइनस b इज लेस देन जीरो, ठीक है। और थर्ड केस में अरब कर देते हैं, हो ही गया होगा आपका, तो थर्ड केस में, केस थ्री में क्या हो रहा है, व्हेन एक्स इज लेस देन ए, दैट मीन्स क्या, देयरफॉर आल्सो एक्स इज लेस देन b, इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, x माइनस a इज लेस देन जीरो, ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो x माइनस a लेस देन जीरो एंड x माइनस b इज ऑल्सो लेस देन जीरो, इधर लाएंगे तो कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस a x माइनस b इज ग्रेटर देन जीरो, दो नेगेटिव हो गया लेस देन जीरो, दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। हेंस हम क्या कंक्लूड करते हैं, ऊपर केस वन एंड केस थ्री तीनों को, केस वन और केस थ्री इन दोनों को टुगेदर
together imply that if x minus b is greater than 0, then x is greater than b or x is less than a. And also case 2 implies that if x minus b less than 0, then x kya hoga, a less than x less than b. Bas itne pe hi aapka sara question ban jayega. Aur ab hum aage question start karte hain. Question number 1 se isko hum rub kar dete hain. Now question number 1 kya hai hamara? Show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब हमको दिखाना है कि strictly increasing है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले let x1 and x2 be any two numbers. ठीक है, कोई दो नंबर्स ले लिए इन आर क्वेश्चन में, तो आर हमको लिखना है. देन क्या होगा, अगर x1 लेस देन x2 है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, अब हमको इस फॉर्म में लाना है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x1 भी लेस देन 3x2 हो जाएगा. और ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर हम 17 दोनों साइड ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस 17 इज लेस देन 3x2 प्लस 17. और यही तो इम्प्लाई, यही तो दिखाना था. तो ये क्या इम्प्लाई किया कि fx1 इज लेस देन fx2. तो ये कंडीशन का क्या मतलब हुआ, दस बाय डेफिनेशन जो कि हम बता चुके हैं, इट फॉलोज दैट f is strictly increasing on R. Strictly increasing on R. I hope आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी था, बस आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से समझना है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट को हम एसटी लिख रहे हैं शॉर्ट में, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, तीन पार्ट दिखाना है, ए strictly increasing, ठीक है, in 0π/2. फिर क्या दिखाना है, b strictly decreasing किसमें, किस इंटरवल में, π/2π. और C दिखाना है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0π/0π. ठीक है,
तो हम लोग पहले से पता है हमको इसका डिफरेंस, जो गिवन फंक्शन है उसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना मस्ट है कि क्या गिवन है। गिवन है कि एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सबको पता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस एक्स होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट को डील करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या जानते हैं, उसके लिए हम क्या जान रहे हैं, वी नो दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0π/2। ये भी ओपन इंटरवल है और इसी को हम दूसरे वे में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आइदर वे में आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस इंटरवल में हमको पता है कि cos x क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, f dash x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0π/2, ठीक है। हेंस इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0π/2, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था इसमें, बस हमको इसका इंटरवल देखना था, किस इंटरवल में क्या हो रहा है। अब बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में क्या है, ये बी पार्ट, इसके लिए वी नो दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू π/2π, ठीक है, ओपन इंटरवल में cos x क्या होगा इसमें, लेस देन 0, यानी क्या हो गया, इसका f dash x क्या हो गया, लेस देन 0 फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का सिंबल है, हर जगह हम यूज करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2π, ठीक है। बस नहीं तो दिखाना था, यानी एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2π, ठीक है। अब सी पार्ट को हमको डिस्कस करना है। तो ये दोनों ए और बी पार्ट से हमको क्या दिखा, एक में इंक्रीजिंग हो रहा है, दूसरे इंटर में डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी सी पार्ट में इट फॉलोज फ्रॉम द अबव टू रिजल्ट्स दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमको लिख कर दिखाना होगा, सिंपली उससे नहीं होगा, इसको पूरा लिखना होगा इस वे में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2π, सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0π, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हमने बहुत इजीली समझ लिया है, और इसमें हम इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
ये हो गया फाइंड द, ये थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज फर्स्ट सब पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बी सब पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों में हमको इंटरवल निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x² माइनस 6x माइनस 36। 6 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 6, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 x प्लस 2 x माइनस 3। अब हमको क्या दिखाना है, नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ए लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीजिंग मतलब क्या हुआ, हेंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये ग्रेटर देन 0 यानी 6 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। 6 हट जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, और ये अभी हम लोग टू इम्पोर्टेंट इन इक्वेशंस पढ़े हैं, उससे ये क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन माइनस 2 और ही लिखते हैं, और एक्स इज ग्रेटर देन 3, माइनस 3 उधर जाके 3 और 2 उधर जाके माइनस 2, तो यहाँ पर क्या रीजन हो गया, सिंस माइनस 2 इज लेस देन 3, इसीलिए एक से x लेस देन माइनस 2 हो गया और x इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, इंटरवल निकालना था, तो जब इंटरवल निकालना है तो हमको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर एक्स लेस देन माइनस 2 और एक्स ग्रेटर देन 3, दैट इज इंटरवल की बात करें तो क्या होगा, लेस देन माइनस 2 मतलब इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी माइनस 2। ठीक है, और यहां एक्स ग्रेटर देन 3 है मतलब 3 से लेके, तो ये हमारा फर्स्ट सब पार्ट हो गया। अब हमको सेकंड सब पार्ट करना है, बी सब पार्ट देखते हैं। सिमिलरली एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये इंप्लाई करेगा 6 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 लेस देन 0, और ये हम पहले देख चुके हैं इनइक्वालिटी में, उसमें हम लोग क्या किए थे इन इक्वेशन में, माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, यानी क्या हुआ, एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
in the interval minus 2, 3. ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, दैट मीन्स माइनस टू और थ्री इंक्लूडेड नहीं है. तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब हम इसको रब कर देते हैं. शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x बाई 2 प्लस x ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. Of x throughout its domain. इसमें क्या हमारा गिवन है? We have y is equal to log 1 प्लस x माइनस 2x बाई 2 प्लस x. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली y इज डिफाइंड व्हेन log 1 प्लस x इज डिफाइंड, that is when x is greater than minus 1 and also x plus 2 not equal to 0, that is x not equal to minus 2. Thus y is defined. Now हमको लिखना होगा when x is greater than minus 1. ये क्वेश्चन में गिवन था. अब हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं और उसके बाद डिवाइड बाई dx निकालते हैं. तो डिवाइड बाई dx क्या होगा? अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू log 1 प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x माइनस. अब हम इसको u बाई v फॉर्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस x का होल स्क्वायर. यहाँ पे 2 प्लस x हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस. अब 2x लिखेंगे, नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली 1 बाई 1 प्लस x माइनस, ये ऊपर क्या बचा? 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये तो कट गया, बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर. इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई 1 प्लस x माइनस 4 बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर. अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर. तो ऊपर क्या आ गया? 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस x, यानी क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x बाय 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर. क्या क्या कट रहा है? ये कट रहा है, ये कट रहा है. बचा क्या हमारे पास? x स्क्वायर बाय 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर. तो अब हम क्या देख रहे हैं? जो dy by dx है वो हमको आना चाहिए ग्रेटर देन 0. तो जो हमारा रिजल्ट आया है वो पूरा ही क्या है? स्क्वायर है.
x का भी स्क्वायर है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 प्लस x का होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और x यहाँ गिवन है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन माइनस वन है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स क्या कि पूरा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो इसको बस हमको बोलने से नहीं होगा, इसको हमको बोर्ड के एग्जाम के लिए इसको हमको लैंग्वेज में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, हियर द न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख रहे हैं, यहां पे रीजन दे देंगे, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन विच इज गिवन इन क्वेश्चन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। दस यही तो दिखाना था हमको कि dy by dx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x ग्रेटर देन माइनस वन। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होगा, इसमें बस दिखाना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इस इंटरवल जीरो इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। द फंक्शन इज डिफाइंड only when x greater than zero. Now इसको differentiate करेंगे तो log का differentiation क्या होता है, 1 by x। ये हम जानते हैं कि क्या होगा, greater than zero for all x greater than zero, hence fx is equal to log x is strictly increasing function of x for all x greater than zero, that is zero infinity। तो हो गया। अब next question, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम माइनस वन वन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स इज स्ट्रिक्टली
increasing on I. ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है, स्टार्ट हो जाएंगे आंसर से कि एफ एक्स क्या गिवन है हमारे पास, x प्लस 1/x. इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन भी निकाल लेते हैं. x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर. एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर. अब हमको दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो लिखना होगा हमको. नाउ इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन क्या होगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो. और ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, इसका वैल्यू क्या आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो. और ये इफ एंड ओनली इफ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1. और इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ग्रेटर देन जीरो. तो ये इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, x इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन 1. ये हम लोग पहले अभी थ्योरी में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस 1 हो जाएगा और ये उधर जाके 1 हो जाएगा. मतलब क्या, कम वाले से लेस देन हो गया और ज्यादा वाला जो 1 है उससे ग्रेटर देन हो गया. दैट इज x, इसका इंटरवल क्या आया हमारे पास, लेस देन माइनस 1, मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1. यूनियन दूसरा इंटरवल ये क्या आया, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से कहां जा रहा है, इंफिनिटी. दस I is the interval disjoint from minus 1, 1. यही क्वेश्चन में था, disjoint from minus 1, 1. That's the proof. ये सोल्यूशन हो गया हमारा और यहीं पर हम लास्ट कर रहे हैं. अब आई होप कि आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने हर पैटर्न का दिया है. अब आप कोई भी बुक उठाएं और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करने का कोशिश करें. और कोई भी डाउट हो तो आप काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मैं कोशिश करूंगी कि आपका क्वेश्चन को सॉल्व करूं और आपको हम सॉल्यूशन दें. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब so that you can get all my videos as soon as I upload it. Thank you.